कश्मीर घाटी में पिछले कुछ दिनों से लगातार हो रही बारिश के बाद डल झील में एक हाउस बोट के पलट जाने से गुरुवार को 7 पर्यटक और 2 परिवार पाल पाल बचे। हाउस बोट के मालिक मोहम्मद यूसुफ ने बताया कि उनकी हाउस बोट कोल्हाई जो है गुरुवार सुबह डल झील में डूब गई और कहा कि जब हाउस बोट डूबने लगी तो 2 परिवारों के अलावा 7 पर्यटक उसके अंदर थे। साथ ही साथ बताया गया कि परिवारों के अन्य सदस्यों के साथ पहले पर्यटकों को निकाला गया और साथ ही साथ जो है उन्हें सुरक्षित स्थान पर भी ले जाया गया। जम्मू संभाग के जिला सांबा के रामगढ़ सेक्टर में दंग गांव में भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित बाबा चमलियाल का मेला गुरुवार को आयोजित किया गया। मेले में प्रदेश सहित पड़ोसी राज्यों के सैकड़ों लोग पहुंचे और उन्होंने बाबा की दरगाह पर शीश नवाया। गुरुवार सुबह बीएसएफ के अधिकारियों ने बाबा चमलियाल के दरगाह पर चादर चढ़ाई। वहीं इस बार भी पाकिस्तान की तरफ से चादर नहीं पहुंची और न ही भारत की तरफ से पाकिस्तान को शरबत और शक्कर भेजी गई। जम्मू श्रीनगर हाईवे गुरुवार को तीसरे दिन भी ठप नजर आया। इसी के चलते सैकड़ों लोग अभी भी रास्ते में फंसे हुए हैं और कई यात्री जम्मू श्रीनगर एवं अन्य बस स्टैंड पर हाईवे के बहाल होने का इंतजार कर रहे हैं। यात्रियों को कई तरह की परेशानियों का भी सामना करना पड़ रहा है। साथ ही साथ अगर बात करें तो प्रशासन और ट्रैफिक विभाग की तरफ से लोगों को सलाह दी गई है कि वे हाईवे की स्थिति स्पष्ट होने के बाद ही यात्रा के लिए निकलें। जम्मू कश्मीर में अमरनाथ यात्रा को लेकर अर्धसैनिक बलों की 450 कंपनियों में शामिल 45 से 50,000 जवानों को यात्रा की सुरक्षा में तैनात किया गया है। इनमें से 100 कंपनियां यात्रा के एक महीने पहले ही प्रदेश में पहुंच गई थी और अब 370 कंपनियां यात्रा के लिए विशेष रूप से प्रदेश में पहुंची हैं, जिनको तैनात कर दिया गया है। जम्मू के तवी पुल पर स्थित महाराजा हरि सिंह स्टैचू के समीप गुरुवार को आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा अग्निपथ स्कीम के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया। इस प्रदर्शन के दौरान इन्होंने केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और साथ ही साथ जो है जम्मू कश्मीर पुलिस के बल की तरफ से आप लीडर्स को जो है यहाँ पर गिरफ्तार भी किया गया। साथ ही साथ इनका ये कहना था कि मोदी सरकार जो है हमारी आवाज दबाने के लिए पुलिस का सहारा लेती हुई नजर आ रही है। रेल मंत्रालय ने गुरुवार को बताया है कि दुनिया का सबसे ऊंचा रेल पुल जो जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर बन रहा है, जल्द ही कश्मीर में हर मौसम में रेल संपर्क के लिए बहाल कर दिया जाएगा। ये पुल महत्वाकांक्षी उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना के हिस्से के रूप में दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल है और इसका निर्माण उत्तर रेलवे द्वारा 28,000 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से किया जा रहा है। वी वॉन्ट जस्टिस के नारों के साथ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर्स और साथ ही साथ इंटर्नशिप कर रहे डॉक्टर्स की तरफ से गुरुवार को एक बार फिर ऑल इंडिया कोटा को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया। बता दें कि पिछले 3 दिनों से ये लोग जो है प्रदर्शन कर रहे हैं और इस दौरान इनका कहना था कि पहले ही जम्मू कश्मीर में सीट्स बहुत कम है और इस कोटा की वजह से यहां के डॉक्टर्स को बाहर जाना पड़ेगा। इन्होंने कहा कि हमारे भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। इन्होंने मांग किया है कि जल्द से जल्द इस कोटा को रिजॉल्व किया जाए। प्रदेश में कोरोना संक्रमण ने एक बार फिर रफ्तार पकड़ ली है। पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश में 38 नए मामले सामने आए हैं। इनमें से अगर बात करें तो 25 मामले जम्मू संभाग से और 13 मामले कश्मीर संभाग से आए हैं। इसके पहले अगर बीते दिन की बात करें तो प्रदेश में जो है लगातार तीसरे दिन तीसरी मौत देखने को मिली थी। इसके बाद अगर देखा जाए तो प्रशासन की तरफ से भी कड़े कदम उठाना शुरू कर दिए गए हैं।